हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सही कह रहे हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक वो है शाओमी के बारे में। तो दोस्तों, जो शाओमी आज की डेट में उतने अच्छे से मतलब कि कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में रियल मी और एसुस ज़ेनफोन मिड रेंज में और जो वन प्लस स्मार्टफोन है वो फ्लैगशिप रेंज में उसका बहुत ही बड़ा मतलब कि जो शेयर है वो होल्ड कर देता है। तो दोस्तों, जो शाओमी है वो मतलब कि 2014 में इंडिया में आया और आते ही बहुत मतलब कि कई ब्रांड्स को उसने इम्पैक्ट किया और दोस्तों सबसे आगे अच्छा ब्रांड बना हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मतलब कि टाइम बीतता गया, वैसे वैसे शाओमी जैसे कि कुछ कमियां रह गई शाओमी में। जैसे कि दोस्तों, फ्लैगशिप की जो स्मार्टफोन उसके थे वो आज तक मतलब कि वन प्लस जब से आया है तब से मतलब कि उसके जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है उसकी डिमांड काफ़ी मतलब कि लो लेवल तक पहुंच गई है। क्योंकि दोस्तों, जो वन प्लस के स्मार्टफोन है उसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि शाओमी के मतलब कि फ्लैगशिप में। क्योंकि दोस्तों, जो वन प्लस का जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो काफ़ी मतलब कि अच्छा है और जो उसका यूआई भी है काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, इस तरह से वो काफ़ी अच्छा लगता है यूज़ करने में। तो दोस्तों, अगर आप शाओमी की बात करें तो वो बजट रेंज में काफ़ी अच्छा रह रहा था और उसी के साथ साथ जैसे कि आप जानते हो कि रेडमी नोट 5 प्रो जो कि आज की डेट में भी काफ़ी बड़ा मतलब कि चैलेंज बना हुआ है कई स्मार्टफोन्स के लिए, जो मतलब कि एसुस ज़ेनफोन मैक्स M1 और जो रियल मी के स्मार्टफोन्स है जैसे कि रियल मी 2 और रियल मी 1। तो दोस्तों, उसमें भी जो क्या बोलते हैं जो रेडमी का नोट 5 प्रो काफ़ी मतलब कि इफ़ेक्टिव था। लेकिन जैसे ही दोस्तों रेडमी ने अपना नोट 6 प्रो लॉन्च किया, उसी तरह मतलब कि नोट 5 प्रो ज़्यादा अच्छा है नोट 6 प्रो से, लगभग मतलब कि सेम स्पेसिफिकेशन है। इसलिए जैसे ही मतलब कि जो रेडमी नोट 6 प्रो है उससे मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि इनोवेशन नहीं कह जा सकता या फिर अपग्रेड नहीं किया जा सकता रेडमी नोट 5 प्रो का, क्योंकि दोस्तों उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है। जहाँ पर कि जो आज की डेट में रेडमी जो स्मार्टफोन है उसको मतलब कि काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बात करें Realme 2 Pro और ज़ेनफोन मैक्स M2 Pro की, तो उसमें मतलब कि 660 का प्रोसेसर यूज़ किया जाता है जो कि रेडमी के प्रोसेसर से काफ़ी अच्छा है, जैसे कि रेडमी नोट 6 प्रो। दोस्तों, इस तरह मतलब कि जो Realme 2 Pro और एसूस ने जो रेडमी के स्मार्टफोन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, इस कारण मतलब कि जो उसके जो बजट रेंज मिड रेंज है उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। और दोस्तों, हाल ही में जो रियलमी के स्मार्टफोन आए हैं मार्केट में जो कि सी सीरीज़ है उनकी, और उससे अब एक डाउन सीरीज़ और जाएगी जो कि 5000 से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों मतलब कि 5000 से लेकर 14000 तक वो इफ़ेक्ट करेगा रेडमी को, और जो रेडमी का जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसको जो वन प्लस मतलब कि जो स्मार्टफोन है वो इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो अब जो शाओमी के स्मार्टफोन्स है उसके लिए काफ़ी टक्कर हो चुकी है। तो दोस्तों, या फिर शाओमी को बहुत बड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ मतलब कि करना होगा ताकि वो जो कंपटीशन है उससे अच्छा हो सके। तो दोस्तों, हाल ही में जो पोको के स्मार्टफोन्स आए हैं मार्केट में वो काफ़ी मतलब कि अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वो मतलब कि अच्छा चल गया पोको स्मार्टफोन, तो काफ़ी मतलब कि एक इनोवेशन जो पोको ने 845 लाया इतने सस्ते मतलब कि तो 20,000 की अमाउंट पे, दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो दोस्तों, इस तरह से मतलब कि अगर काम करेगा शाओमी तो लगभग जो पोको सीरीज़ है उसको मतलब कि दूर दूर तक कोई भी कॉम्पिटिट नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो शाओमी का वो मतलब कि अब उतना नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अब पोको से जो स्मार्टफोन आएंगे उससे काफ़ी मतलब कि मतलब कि काफ़ी शेयर हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जो बाकी स्मार्टफोन है जैसे कि रेडमी और जो उसका फ्लैगशिप स्मार्टफोन आता है MI, तो उसमें दोस्तों काफ़ी मतलब कि कंपटीशन है। तो दोस्तों, कंपटीशन के देखते देखते मतलब कि उसको काम करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से मतलब कि 5G आने वाला है, तो जो रेडमी के स्मार्टफोन्स है उसमें तो काफ़ी मतलब कि 2020 में आएगा, लेकिन दोस्तों जो फ्लैगशिप के स्मार्टफोन है उसमें जल्द से जल्द फ्लैगशिप लाने की कोशिश करनी होगी। और दोस्तों, इस तरह से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन बनाने की कोशिश करनी होगी शाओमी को, तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि वो कंपटीशन दे पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते हैं मेरा चैनल BTech, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।